हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम आ गए हैं जी पार्क में, और यहाँ पर आज होने वाला है कुछ मुख्तलिफ धमाकेदार होने वाला है, और आपको दिखाने वाले हैं हम कुछ मुख्तलिफ। तो आज है जी 17वां रोज़ा, मेरा 17वां व्लॉग आ रहा है। तो इस व्लॉग को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप बेल आइकन लाते भी दबाएँ और पूरा व्लॉग देख करें, और इस तरह सपोर्ट करते रहा करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस तरह प्यार बरसाते रहा करें, और मेरे व्लॉग को देखा रहा करें, और आगे भी शेयर किया करें, अपने दोस्तों से भी कहा करें, फैमिली से भी कहा करें, और रमज़ान के बाद और रमज़ान अफ्तारी के बाद इंजॉय किया करें, और इंजॉयमेंट के लुफ्त दो करें, कुछ हमारी सुना करें, कुछ अपने बयान किया करें, और कमेंट किया करें, फिर बताया करें कमेंट में कि आपको क्या मेरे व्लॉग अच्छे लगते भी हैं या फिर नहीं लगते, या फिर आपको कैसा कॉन्टेंट चाहिए। तो ये सब आपने मुझे बताते रहना, ताकि मैं आपके मुताबिक चलूँ, और आपने भी आगे ख़त्म हो गया आपको। तो आज की जो नेकी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ जी, इंसानियत का ख्याल रखना, ठीक है। मतलब कि अल्लाह ने इंसान पैदा किए, अलग अलग अब फरिश्ते भी थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ने इंसान क्यों पैदा किए? इसलिए पैदा किए कि अल्लाह की इबादत तो फरिश्ते करते हैं। वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, वो वाला कि वहाँ बताऊँगा कि तात के लिए, हाँ, इंसान पैदा किया इंसान को, बदनी क्या था याद आ गया, फिर बताऊंगा। लेकिन मैं ये बता रहा था कि ना, इंसान से प्यार करें, और यही आपका मशवरा होना चाहिए, क्योंकि लोग जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें बड़ा नहलाते धुलाते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान रोड पे पड़ा हुआ है तो उसकी कोई परवाह नहीं करते, उसको कुछ नहीं करते। तो ये जो है ना, ये आपके पास इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, और ये चीज़ें होती हैं जो इंसान को इंसान से प्यार करवाती हैं। और हाँ हाँ, पैदा किया इंसान को प्यार के वास्ते, इंसान को मोहब्बत के वास्ते पैदा किया, वरना तात के लिए कुछ काम न थे ग्रो, भैया इस तरह कोई शेर था, मुझे भूल गया। लेकिन चलो, जो मैं मेन पॉइंट जो आज का है वो ये है कि इंसानियत, ओके, मतलब कि इंसानियत, इम्यूनिटी, दैट्स मेन पॉइंट इज इम्यूनिटी। सो इसके ऊपर अमल करें, और बच्चों को भी सिखाएं, छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे भूल जाए तो बच्चों को भी। और आजकल हमारा माशरा जो जा रहा है उधर नहीं जाना चाहिए, उधर से वापस मुड़े और हमारे रसूल के बताए हुए तरीके पर चलें और मदीना की रियासत कायम करें। तो ये आज की नेकी थी, तो आगे भी मिलते हैं, आगे भी आप दिखाता हूँ। तो आज का कॉन्टेंट था वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आज इसका ये देखे गेट भी खुला पड़ा है, तो हम अभी अंदर जाते हैं। ये आ रहे हैं, तो ये था जी आज का कॉन्टेंट, ठीक है। आज जो मैंने आपको चीज़ बताने वाला था वो चीज़ है जी, ये जहाज़, आज मैं उड़ाऊँगा जहाज़, और हम जाएंगे जी कहाँ बने जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे। तो ये तकरीबन बहुत पुराना जहाज़ है, कहते हैं कि ना, जब जंग हुई थी या पता नहीं क्या हुआ था, तो पायलट शहीद हो गया था, तो उसी के नाम से ये पार्क है, शहीद जमील पार्क, जमील उसका नाम था शायद। तो ये जहाज़ जो था ना, ये इधर लगाया गया था उसकी याद में, और ये बड़ा प्यारा यहाँ बनाया हुआ कट करके, और साथ जंगला बनाया हुआ, साथ ही बनाया हुआ जहाज। तो ये सारा है भी आपको मैं आगे से दिखाता हूँ। तो अच्छा, तो ये बनाया हुआ है जी, ये पाकिस्तान का, और शायद कह रहे हैं कोई थोड़ा बहुत ही छोटा हो ये असली जहाज़ से, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा छोटा है, ये इसके पर बनाए हुए हैं, ये इसके वो नीचे वाले पर हैं। और इसी तरह मैं आपको इधर दिखाऊँ तो ये वाले भी हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा कि ना, वो मेरे कॉलेज में था, वो भी मैंने आपको दिखाया था, और ये भी अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन वो उसमें शायद वादा बनाया हुआ था। और इसको जो है ना, इसके बारे में थोड़ा अभी जो है वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ओह वेरी गुड, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है जी, डेडिकेट द ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स WHO सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, मुनीरुद्दीन अहमद, फिर लेफ्टिनेंट यूनिस हुसैन, फिर लेफ्टिनेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवेद इकबाल, और 1965 अल्लाह, मतलब ये जो जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, वाली जंग को बनाया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं नीचे से, और ये उनको डेडिकेट करने के लिए यहाँ पर ये लगाया हुआ है जहाज़, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा प्यारा बनाया हुआ है। और ये जो है बाकी भी आपको दिखाते हैं, ये दिखा दिए मैंने आपको, अभी थोड़ा पार्क का नक्शा आपको दिखाते हैं, और ये ज़रा आप गौर करके देख लें,
तो ये आज मुझे खुद पहली बार पता चला है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के डेडिकेट की है। तो ये आपको बताना था आगे भी। तो आपने आज इंजॉय कर रहे होंगे व्लॉग को, और आज का व्लॉग जो था वो थोड़ा था टफ भी था, आसान भी था, और साथ साथ ये भी था अंधेरा हो गया थोड़ा, लाइट भी जाते थे फिर आगे। तो अब हम जाएंगे दूसरे पार्क में, और वहाँ जा के हम ना थोड़ा चक्कर लगाएंगे, और साथ साथ आज मैं आपको दिखाऊंगा सही कि मैं चक्कर लगा रहा हूँ, वाकई लगा रहा हूँ। तो आप अब आपको दिखाते हैं, आगे जाते हैं वहाँ फिर जाके देख भाग रहे हैं हम। बिट्टू पीछे आराम लगा था। डबल ड्यूटी दे रहा हूँ, एक भाग रहा हूँ ऊपर से भी लोग। इस व्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया है, और वक्त आन पहुँचा है, और मैंने जो आज आपको मालूमात दी है इस इतिहास के बारे में, इस पार्क के बारे में, तो यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय क्या किया होगा, मालूमात अच्छी थी, आपने जाना होगा थोड़ा बहुत कि ये जहाज़ क्यों लगाया गया था, क्या वजह है, और वैसे भी आपने पार्क के एंजॉय किया होगा, रोशनी होगा। तो अब वही बात हमने करनी है कि इसी लोगों को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन लाजमी दबाया करें, और पूरा व्लॉग देख करें। और मैंने आपको पहले ही बात की थी कि अब जूँ जूँ हम रमज़ान ख़त्म होता जा रहा है, तो वो भी ख़त्म होते जा रही है पहली चार थी, तो अब काउंट डाउन शुरू हो गई है। 13 या 12 रोज़े बनते हैं, मुझे नहीं लगता अब 13 रोज़े बनेंगे, 12 रोज़े बनाएंगे ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह आपने 12 व्लॉग मेरे रह गए हैं, तो आपने सारे व्लॉग देखने हैं, और लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना है, और इसी तरह फिर इस व्लॉग करते हैं एंड, और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।